प्लीज वेट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ईशा, मेरी बात सुन। डॉक्टर ईशा भोसले इट इज। और मैं यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे मैं कह देना चाहती हूँ कि भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस पुणे यूनिवर्सिटी में आता है। कोई स्टेशनरी की दुकान नहीं है जहाँ कोई अपनी मनमानी करेगा, किसी के साथ कैसा भी बर्ताव करेगा, ये नहीं हो सकता। बाकी कॉलेजेस की तरह भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस पुणे यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है। यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए हैं जो कॉलेज को मानने ही पड़ेंगे। इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए भी गाइडलाइंस हैं और इंटरव्यूअर को वो गाइडलाइंस मानने होंगे जो यूनिवर्सिटी ने तय किए। अगर इस लड़की के लिए भी यही गाइडलाइंस है तो मैं नहीं मानता इस गाइडलाइंस को, ये इंटरव्यू नहीं देगी, बात खत्म। बट व्हाई? मिस्टर ईशान भोसले, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इस लड़की पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, या फिर आप सबके साथ हमेशा इतना ही गुस्से में रहते हैं। एनीवे, वजह जो भी हो, लेकिन अगर आज इस लड़की का इंटरव्यू नहीं हुआ तो इसके आगे के कोई भी इंटरव्यूज नहीं होंगे। और मैं खुद यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैंने आज के सारे इंटरव्यूज कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन मैं आपका किसी भी कैंडिडेट के प्रति ये रूड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, आप सारे इंटरव्यूज कैंसिल कर दीजिए। एक काम करते हैं, जितने भी कैंडिडेट आए ना सबको बाहर कर देते हैं, ठीक है? Are you sure? Are you sure about this? क्योंकि as a director of this college, आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज को पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉनेटरी ग्रांट मिलता है। अगर आज ये इंटरव्यूज कैंसिल हुए तो मैं यूनिवर्सिटी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये ग्रांट कैंसिल कर दे। क्लियरली देख रही हूं मैं कि आपके कॉलेज को आपका स्टाफ बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और कॉलेज के डायरेक्टर को कैंडिडेट से बात करने की तमीज तक नहीं है। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है ना आप कीजिए। ओके। नहीं नहीं डॉक्टर ईशा भोसले, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ठीक है, इंटरव्यू शुरू कीजिए। गुड, प्लीज आप सीट, सिट डाउन। मरिया जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, हम अच्छे से कराएंगे आजुबा का इलाज। छोटी उम्मीद के मीठे फल से सच का कड़वा करेला अच्छा होता है। ऐसे खोखले दिलासे देने से कुछ नहीं होगा, इलाज के लिए कोशिश करनी पड़ेगी जो वीनू कर रहा है। तुझे तो यहाँ सिर्फ तेरे आजुबा की वजह से खड़ा रहने दे रही हूँ, वरना तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है।